क्योंकि मैं उस स्टेडियम का शाम वाली मैं इस समय खड़ा हूँ। गांधी पार्क जो ये रास्ता है और ये यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर मैं इस समय जो हूँ खड़ा हूँ। और यहाँ पर इस समय आप मेरे फ्रेम में जो देख रहे होंगे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और यहाँ पर जो है बात करें तो सुश्री साध्वी कालिंदी जी भारती जी अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचिए बच्चों को पुरस्कृत जो है करने के लिए। ये भागवत कथा लगभग 7 दिन यहाँ पर जो चली थी, आज इसका समापन हो रहा है। बच्चों को यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर बच्चों को बुलाया गया और बच्चों को यहाँ पर जो योगा भी बच्चों को करेंगे और बच्चे बड़े प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बड़े यहाँ पर खुश जो है नजर आ रहे हैं। बच्चों को ये आप ये देखिए यहाँ पर बच्चों को स्कूल बैग बच्चों को जो दिए जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे इस बैग को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्री अब इस समय हम बात करेंगे ये साध्वी जी से जो यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल कर आएंगे। आखिर इस प्रोग्राम में क्या क्या उनकी तरफ से भागीदारी निभाई गई है, आइए बात जो करते हैं। साध्वी जी आपका अमूल्य समय आप यहाँ पर निकाल कर आइए और हमारा चैनल इस समय लाइव लाइव कर रहा है। थोड़ा सर आगे आगे बिल्कुल देखो यहाँ पर बच्चों को आपकी तरफ से क्या संदेश है और आज आपने 7 दिन की यहाँ पर भागवत कथा रही है, इस पर सर क्या 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 कह रहे हैं आप? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक व संस्थापक आराध्य गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के कृपा के द्वारा आपके इस रुद्रपुर क्षेत्र में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस कथा का आयोजन करने का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि शास्त्रों के आधार पर मतलब पूरे जनमानस को यह बताया जाए कि वह परमात्मा केवल चर्चा का या कथा कहानियां का विषय नहीं है। उस परमात्मा उस ईश्वर को घट के अंदर देखा भी जा सकता है और बहुत सारे ऐसे जिज्ञासु हैं जिन्होंने उस ईश्वर उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए अपना नाम दीक्षा के लिए नाम भी लिखवाया है। और महाराज जी की कृपा से केवल कथा कहानियां नहीं सुनाई जा रही अपितु समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं जैसे प्रदूषण है या नारी का असंतुलन की जो प्रॉब्लम है या युवा वर्ग के नशे की समस्या है, महाराष्ट्र उसे उसे अध्यात्म के साथ जोड़कर उसमें परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का ये कहना है कि परिवर्तन मात्र बातों से नहीं आ सकता है, परिवर्तन जब तक आप अंदर से नहीं बदलेंगे तब तक चेंज नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर दशा को सुधारना चाहते हैं तो दिशा का सही होना बहुत अनिवार्य है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें यही दिशा प्रदान करती है और हमें ऐसे सदगुरु की शरण में जाने के लिए प्रेरित करती है जो हमें केवल बातें ना सुनाए अपितु हमें हमारे रूट लेवल उस ईश्वर उस परमात्मा के साथ भी जोड़ दे। क्योंकि जब हम अपने रूट लेवल से जुड़ते हैं परमात्मा से जुड़ेंगे तो परिवर्तन आता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक वृक्ष हो वो अगर जड़ के साथ जुड़ा रहे तो ही वो पल्लवित और पुष्पित होता है। तो इसीलिए हर मानव का अपने उस रूट लेवल के साथ भाव उस परमात्मा से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। जब उसके साथ जुड़ेंगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं, कथा के दौरान भी आए, प्रसन्न हुए हैं हम, क्योंकि बच्चों का अध्यात्म के साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस और हमारी ये पीढ़ी जा रही है जो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगती चली जा रही है या हमारे ही भारतीय परंपराओं से हमारे महापुरुषों के चरित्र से जो दूर होती जा रही है, इन बच्चों को भी यहाँ आकर उसकी प्रेरणा मिली है और हमें प्रसन्नता हुई है। इसलिए जो हमारे साथ आप भैया जी खड़े रहे हैं, माता जी खड़े देख रहे हैं और संस्थान के द्वारा इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ये बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये साध्वी जी एक सवाल हो रहा है आपसे, जैसे इस समय समाज में कुरीतियां बहुत हो रही है, अच्छे काम लोग बहुत बहुत कम कर रहे हैं, बुराइयों की तरफ जो ज्यादा जा रहे हैं, आपकी तरफ से उनको क्या संदेश है, कैसे जाए अच्छे रास्ते पर चलने के लिए? पहले सबसे पहले ये कि देखिए मन को सही दिशा का मिलना जरूरी है। और रही बात कि अच्छाई की ओर चले तो ये बातें हमें बचपन से सिखाई जा रही, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, ऐसे मॉरल वैल्यूज हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स भी दे रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस हर जगह पर मिलते हैं। लेकिन जितने विचार मिल रहे हैं उतनी ही विकृति आ रही है, उतनी ही बुराइयां आ रही हैं। तो कारण यही है कि जैसे एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि ये पीना हानिकारक है, इसके बावजूद भी इंसान पीता है और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो महाराज जी यही कहते हैं कि परिवर्तन विचारों से नहीं आता है, परिवर्तन जब हमारा मन सही दिशा को प्राप्त कर जाएगा तो आता है। और मन को सही दिशा
कब मिलती है? जब हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक आते हैं, एक हमारे जिसे हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों, हमारे उपनिषदों में क्षत्रिय ब्रह्म ने गुरु कहकर संबोधित किया गया है, सदगुरु कहकर संबोधित किया है, स्पिरिचुअल मास्टर कहकर संबोधित किया है, जो हमारे जीवन में आते हैं तो बाहर से हमें विचार नहीं देते हैं। हमारी जो ये थर्ड आई है, आई ऑफ द सोल, जिसे दिव्य दृष्टि कहा, जिसे तीसरा नेत्र कहा, जब ये खुलता है, इंसान जब साधना करता है, ध्यान करता है, तो उसकी जो ऊर्जा, जो एनर्जी संसार की ओर बिखरी हुई है, जब वो ध्यान साधना करता है, सही अर्थों में मेडिटेशन करता है, अंदर उस ईश्वर के साथ जुड़ता है, तो उसकी बिखरी हुई ऊर्जा यहाँ केंद्रित होती है और उसके अंदर उसके जो बुरे विकार हैं वो जलकर खत्म होते हैं। और जैसे जैसे इंसान ध्यान साधना अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ता है, इस भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है, तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा। फिर उसे फोर्स नहीं किया जाता कि आप ये बुराई छोड़ दो, आप ये मत करो, आप झूठ मत बोलो, आप चोरी मत करो। जब अंदर से जुड़ता है, ईश्वर के साथ जुड़ता है, ध्यान साधना करता है, तो उसके अंदर चेंज आना अपने आप ही शुरू हो जाता है। जो माता पिता बचपन से अपनी औलाद को पालते हैं, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और जब बच्चे जवान हो जाते हैं, तो घर में जब शादी होकर उनके घर घर पे कोई मेहमान आता है, मिसेज आती है उनकी, तो ज्यादातर देखा जाता है कि माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? वैसे तो ये हमारे भारतीय संस्कृति के विपरीत है कि आज हमारे देश में इतने सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, जो बल्कि बड़ी ही अशोभनीय बात है। तो ऐसा ही एक बार प्रश्न हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने किया था कि महाराज श्री, आप इतने बड़े बड़े कथाओं के आयोजन करवा रहे हैं, इससे अच्छा आप वृद्ध आश्रम खोलिए, ताकि जो वृद्ध है, जिन्हें घर में जगह नहीं मिल रही, उन्हें जगह दी जाए। तो हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज श्री ने कहा था, कहते हैं और हमेशा समझाते हैं, और समाज को महाराज श्री ने ये कहा कि मैं वृद्ध आश्रम खोलने के लिए नहीं आया, मैं बच्चों को अध्यात्म के द्वारा, परिवारों को ऐसे संस्कार दे दूंगा जिसके द्वारा वृद्ध आश्रम खोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, बहुत आपके विचार बड़े उज्जवल हैं। और लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जो लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि वो पाश्चात्य संस्कृति से ना प्रभावित होकर अपनी भारतीय संस्कृति को पहचाने, क्योंकि भारतीय संस्कृति मात्र अंधविश्वास या कोरी कल्पना नहीं है। हमारी हर भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है, पर्व है, त्योहार है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, उन्हें समझिए। और उसको समझने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप ऐसे गुरु की, एक ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की खोज जरूर करें, जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हमें हमारी भारतीय संस्कृति के साथ और सनातन धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ हमें जोड़ सके। धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया, और आप, हमारा लाइव थोड़ा लेट भी हुआ है, उसके लिए भी आपने वेट किया। हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। यहाँ पर जो है हमारे सर भी है। सर, फिलहाल अभी आपसे बात होगी, हम मैम आपसे कहना चाहेंगे, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो कराई, जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, आप हमारे लाइव में इस समय देख रहे होंगे, बच्चों को बैग देकर, बच्चों को ये बैग जो दिए जा रहे हैं, बच्चे बड़े प्रफुल्लित और उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये आने वाले कल के हमारे देश के भविष्य हैं, ये हमारे भविष्य हैं, और ये बच्चे हमारे आने वाले समय में हमारे देश की रक्षा करेंगे, हमारे देश में आगे बढ़ेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी से अपील करना चाहेंगे, जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, कि आप भी एज ए गरीब परिवार के बच्चों की मदद आप लोग जो करें, जिससे कि स्कूल का बैग बच्चे के हाथ में है, और ये बच्चा स्कूल के बैग तब अपने घर घर लेके जाएगा, फिर बच्चा इसमें अपनी कौन सी किताबें रखेगा, तो बच्चा हमारा देश का भविष्य नाम रोशन करेगा। फिलहाल हमारे जितने हमारे साथ में जो महाराज जी है, इन सभी हमारी बात होगी। सर, थोड़े समय बनिए महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट टीम में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत महाराज जी, हम आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, आपके 7 दिन की यहाँ पर कथा हुई है, इस कथा के माध्यम से आपने क्या संदेश दिया लोगों? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके संचालक और संस्थापक हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी परम शिष्या कथा व्यास भागवत भास्कर साधी कालिंदी भारती जी के माध्यम से आज का कार्यक्रम किया गया। और ये कथा पिछले 6 दिन से और आज अंतिम दिन
अपने जीवन के मूल्यों को पहचाने, जीवन के अंदर जब तक हम जादूबाजी नहीं होते, जब तक हम ढंग से मैं यही कहूंगा कि भगवत कथा हमें हमारे जीवन का रहस्य बताती है, हमारे जीवन का हर कुछ बताती है, कैसे जीना है, क्या करना है, तो यही भगवत कथा को शादी करेंगे। धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया हमसे बात करी, और इस समय आप ये देख रहे हो यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे थे, यहाँ पर बैग दिए गए हैं, बैग लेकर बड़े उत्साहित जो है नजर हो रहे हैं, और यहाँ पर खुश खुश नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आप इस समय दिख रहे होंगे पूरी टीम है, पूरी टीम में सारे बच्चों के जो है बैग दिए सर है हमारे साथ में, आइए इनसे बात करेंगे। सर आपका फिर नाम क्या? राजेंद्र कुलश्य। सर आज आपके द्वारा यहाँ पर सात दिन लगातार आपके द्वारा यहाँ पर दिया गया इस भगवत कथा के माध्यम से क्या संदेश दिया है, और आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके द्वारा जो है एक गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, स्कूल का बैग दिया, क्या कुछ है? बच्चों को स्कूल बैग दिया गया, स्कूल के बच्चे हमारे देश के गण था, इनके कंधों पर हमारे देश का नाम है। भागवत कथा के माध्यम से क्या संदेश दिया आप? जीवन में सबको इसके मार्ग पे चलना है। धन्यवाद सर, सबको इसके मार्ग पे चलना भी चाहिए, और बात में ये रियल है, एक मैं यहाँ से उनसे थोड़ा थोड़ा आजाद दीजिए, मन को संतुष्ट कैसे करना चाहिए, क्या है सर आपको? नाम क्या होगा? मेरा नाम अग्रवाल है, मैं अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष। अग्रवाल जी ने द्वारा बताया गया कि आपके मन चंचल होता है, मन को संतुष्ट करना जरूरी होता, बस में करना जरूरी होता, फिलहाल आप हमारे साथ में आपने जो है कि लाइव देखा, और यहाँ पर जितने लोग हमें सुना है और हमारे लाइव को देखा, हम सभी से कहना चाहेंगे इसको शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप जो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।